नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त गेमर्स काय और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे वॉक थ्रू में जिसका नाम है पोकेमॉन फायर एश वर्जन। पिछली बार हम लोग ने 3 जिम लीडर्स को हरा दिया था और 6 टोटल जिम बैच जीत लिए थे और आज के एपिसोड में हम बचे हुए 2 बैच जीत कर कैलोस लिक की तरफ बढ़ेंगे। लेट्स सी हम कितना आगे तक जा पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं स्लिगू को इन्वॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और उसको सबमिट कर दूंगा पीसी में। तो उसके लिए है 2 ट्रिक। नंबर 1, अगर उसके पास ऑलरेडी है मूव रेन डांस तो वह लेवल 50 पर अपने आप इवॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर इन्फिनिट एडियाल का मेरे भाई शुभम ने मुझे कमेंट किया था कि भाई आपने तो फॉरगेट कर दिया वो मूव, अब कैसे इवॉल्व होगा आपका स्लिगू। भाई उसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है। हमारे पास ऑलरेडी TM है दोस्तों, आप लोग को तो मालूम है TM18 है रेन डांस। तो सिंपली मैं सिखा दूंगा वो मेरे स्लिगू को। फिलहाल के लिए मैं एसिड स्प्रे निकाल देता हूं। या फिर आप जा सकते हैं किसी, अगर आपके पास TM नहीं है तो आप जा सकते हो किसी ट्यूटर के पास और सिखा के वो मूव स्लिगू को दे सकते हो। सेकंड ऑप्शन, एक्चुअल गेम और एक्चुअल एवोल्यूशन स्लिगू का ऐसा है कि उसका एवोल्यूशन रेन में होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से सिर्फ रेन डांस काफ़ी नहीं होगा उसके लिए। मैं इसके लिए चाहिए Route 14 पर रेन। जैसे कि मैंने बोला था, Route 14 ऐसा एक एरिया है जहाँ पर बारिश गिरती है, सबको बार बार ऐसे आगे पीछे करना पड़ेगा। जब वहाँ बारिश होगी आप अपने स्लिगू को गुडरा में तब्दील कर सकते हो। आपको बैटल करना पड़ेगा या फिर आप अपने पास रेयर कैंडी एक्स्ट्रा आपने सेव करके रखी तो इस केस में आप यूज कर सकते हो। व्हाट, स्लिगू इज इवॉल्विंग और हमारा स्लिगू इवॉल्व हो रहा है अपने लास्ट स्टेज में। एक सिंपल तरीका है, आप फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कांग्रेचुलेशन, योर स्लिगू इवॉल्व इनटू गुडरा एक्वाटेल। और अभी मैं हटा दूंगा रेन डांस, ये रेन डांस की कोई जरूरत नहीं है अभी। पावर वेब डेफिनेटली सीखूंगा। मडी वाटर निकाल देता हूं मैं, एक ग्रास टाइप मूव भी हो जाएगी। ओके, तो अभी के लिए तो मैं स्लिगू को कर दूंगा सबमिट, क्योंकि एक्चुअल में ऐश उसको छोड़ देता है उसके होम टाउन में, डायरेक्टली लीग के वक्त उसको वापस लेगा। तो मैं भी डिपॉजिट कर दूंगा। ओके, चलो भी यहाँ पे सॉयर क्या कर रहा है, जरा बात करते हैं। यू बीट द जिम ऑलरेडी मैन, यू आर गुड, आई हैव ट्रेन अप अ लिटिल टू, लेट मी शो यू। ओके सॉयर, बैग ऑन यूज करेगा लेवल 36, रिक्लेम द गोल्ड। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें रूप बैटल्स भी करने हैं और वो मुझे एक्चुअली स्किप करने हैं, तो मैं मेरा कर लूंगा और इस बिना आपको कुछ लिखाऊंगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना। एजिलिटी यूज करके कुछ फायदा नहीं, क्विक अटैक मेरा ही फास्ट रहेगा। स्लर्प पफ, एक आयरन टेल काफी होगा। अरे पिकाचू, अरे इलेक्ट्रो बॉल, एनर्जी बॉल यूज कर, इलेक्ट्रो बॉल मेरे अगेंस्ट काम नहीं करेगा। ओके, स्लर्प पफ भी गया। अमेजिंग, आई सी व्हाट आई डिड रॉन्ग दिस टाइम, आई हैव लर्न सो मच इन दिस बैटल्स वी हैव हैड। I'm going to head to Kumarin City and try the gym there. Next time I see you, I hope to be stronger. Yeah, sure, Sawyer. Goodbye. अभी हम officially आ चुके हैं route 15 पर, तो चलो एक बार मैं repel use करता हूँ, देख लेता हूँ trainer exactly start कहाँ हो रहे हैं, तो मैं उधर ही save कर दूँगा और सब battles कर दूँगा। Okay, ये क्या है इधर? Oh, एक मिला, definitely अपना नॉइ बैट का एक होगा। एक मिला भी हैच भी हो गए, नॉयबैट हैच फ्रॉम द एग। ओके, कोई निकनेम नहीं देना है मुझे उस नॉयबैट को। ओके, तो यहाँ से चालू हो रहे बैटल। तो दोस्तों मैं ये सारे बैटल करके आता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट भी इवेंट बीच में आ गया तो वहीं से हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मैं बस आया 2 मिनट में। ओके दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ, मैंने सारे ट्रेनर्स को हरा दिया है, सिर्फ अभी आइटम्स कलेक्ट करना बाकी है। यहाँ पर मुझे एक मिला है मार्को ब्रेस, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पर। एक रिपेल कोर्स यूज करूंगा, एक प्रोटीन मिला यहाँ पर। डायर हेड, और अगर आप इन दोनों से बात करोगे
तो एक लड़की आपको देगी शार्पीडो नाइट और एक लड़की आपको देगी कैमरा अपटाइट। ओके, तो दो मेगा स्टोन्स याद से ले लेना। देन डिमल टाउन सबसे पहले हील अप कर लूंगा मैं और फिर टाउन एक्सप्लोरेशन चालू करेंगे। इधर भी नहीं जाना मुझे, यूज करने लगा माकोब्रेस में बेच सकता हूँ, सिर्फ प्रोटीन यूज कर लूंगा मैं फ्रॉग डियर के ऊपर। बहुत कुछ है रे बेचने लायक, चलो बेच देता हूँ मैं। वो डायरेट वायरेट भी मिला है ना मुझे, चलो माकोब्रेस बेच दिया। नेस्ट बॉल और ये डायरेट और ये पोकी डॉल। ओके, बाकी सारे के सारे मेगा स्टोन से जो मुझे इस जर्नी में अब तक मिले हैं। ओके चल, थैंक यू, मुझे कुछ बाय तो करना नहीं है। डेंडीमेल टाउन ही घूम लेते हैं। ओ, ये लड़की हमें एंशिएंट पावर सिखा रही है, फिलहाल तो मुझे नहीं चाहिए। डेंडीमेल टाउन टाउन वेयर फ्लफ फ्लफ डांसेस ऑन द वे। क्या बेच रही है? मोमो मिल्क, ठीक है। एक बिग रूट, यहाँ क्या है टाउन के नीचू? ओ स्लो ब्रोनाइट, थैंक यू। एक और मेगा स्टोन दोस्तों, ओके okay, यहाँ से दो रूट है। ये पीछे वाला रूट नहीं है, बंगला जैसा है, क्या है पीछे? ओहो परफॉर्मर, ओके। यहाँ पर एक घर भी है, घर देख लेता हूँ पहले। ओहो मूव मैनियक भी है यहाँ पर, यहाँ पर आके भी आप वो रेन डांस का मूव सिखा सकते हो अपने स्लीगू को, ताकि वो गुडरा में तब्दील हो जाए। सबसे पहले हम ये घर देख लेते हैं। ओ बिग नगेट, थैंक यू। हो गया क्या फिर डेंडीमल टाउन का मूव? डिलीटर भी है यहाँ पर, तो अगर बाद में आपको कुछ अलग मूव सिखाना है अपने गुड्रा को तो यहाँ पर आके रेन डांस फॉरगेट भी कर सकते हो या कुछ टीएमबीएम सिखा सकते हो सब। यस रिपेल यूज करूंगा मैं अभी, क्योंकि अभी टाउन के बाहर जाना है दोस्तों। रूट 17, ओके। तो चलो मैं इन सारे ट्रेनर्स को हरा कराता हूँ, कुछ इवेंट चालू हुआ तो हम वहीं से हमारी जर्नी को कंटिन्यू। ओके दोस्तों, कुछ बैटल नहीं थे, सिर्फ ये दो और ये तीन बैटल थे। उसके बाद एक केव है, यहाँ पर मुझे मिला कैल्शियम। केव देख लेते अभी। ओ हिडन आइटम डस्ट बॉल, यहाँ पर है नर्स जॉय और कोई हिडन आइटम तो नहीं। यहाँ पर मिला मुझे हार्ट स्केल और यहाँ पर ट्रेनर है, ओके। और यहाँ पर भी ट्रेनर से, तो चलो मैं इन ट्रेनर्स को हरा कराता हूँ, कैसे इवेंट चालू हुआ तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ। एक्चुअली अभी यहाँ पर दो तीन जगह ऊपर जाने के लिए सेकेंड फ्लोर पर, तो मैं वन बाय वन सब एक्सप्लोर कर लूंगा। सबसे पहले हम चलेंगे इधर इच, ओके। ओके एक आइस हिल मिला मुझे, हिडन आइटम नेवर मेल्ट आइस भी मिला है। बैटल कर लेता हूँ, ओके बैटल तो हो गया ये। एक और द मीजी बैटल्स, यहाँ पर एक और फ्लोर जा रहा है। एकदम इजी अब तक तो जर्नी। वो वहाँ पर एक मुझे आइटम दिख रहा है, मैक्स रिपेल। ओहो हो ये वेरी टॉल, नाइस नाइस नाइस। ओके यहाँ से बाहर निकला क्या मैं? हाँ गाइस, आप इससे बात करोगे ना, ये आपको आईसी रॉक देगा, आईसी रॉक। कन्फायर 112, ओके।
ये रहा इवेरिटॉन। फोर्टी लेवल का है ये, मुझे तो नीचे ही निकला। तो अब इस प्रकार इवेरिटॉन को पकड़ सकते हैं इस गेम में। तो अभी मुझे मालूम है एग्जैक्टली मुझे जाना कहाँ पर है, एक बार हील कर लेता हूँ। अभी सिर्फ यही रूट बचता है, डबल बैटल। एक मिनट है दोस्तों, मेरा कुछ डाउट आ रहा है, मुझे कंफर्म करना है। आई थिंक मैंने एक और रूट देखा था यहाँ पर। यप, थर्ड फ्लोर यहाँ पर है। ओके, तो फिर उधर क्या है नीचे? यहाँ देखना है मुझे है क्या। यहाँ पर भी थर्ड फ्लोर है बैटल, तो मे बी ये उससे कनेक्टेड हो सकता है रूम, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। वो पोकी बॉल कैसे ले? यहाँ पर मॉस रॉक भी है इधर। ओके, तो यहां से कनेक्टेड है वो। ओके, एटलीस्ट पता तो लगा लिया कनेक्टेड कहां से रूट। कुछ नहीं यहां पर, चलो फिर ऊपर इच। ये मॉस रॉक ग्लेशियन में तब्दील करने के लिए। वहां पर डबल बैटल का एरिया, एक जिंक। ये कैसे ले? मैं फिगर आउट करके आता हूँ, एक मिनट। ओके, मैंने फिगर आउट कर लिया है, लेट्स सी वर्क होता है कि नहीं। भूल गया, इधर आया था मैं, कैसे आया था? यस, समझ गया शायद। शायद शायद समझ गया हूं। यप, इज ऑल राइट, थैंक्स। भाई साहब भाई साहब, एक मेगा स्टोन था, अच्छा हो ना मैंने देख दिखा दिया कैसे जाना है। देख लास्ट डबल बैटल में भी एकदम इजी। 17, ओ क्लियरली टाइट, थैंक यू। एक रेयर कैंडी, अमीजी। एनस्टार सिटी आ चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारा सातवां जिम्बा जो होगा। आई लाइक स्विच टीम, थैंक यू। मैक्स रिपेयर, थैंक यू। हील कर लेता हूँ एक बार। बहुत बड़ा रूट था वो बीच का,
लिंडमेल टाउन का भी टाइम पास था, केव के कारण टाइम लगा बाकी कुछ नहीं। चलो फटाफट एक्सप्लोर कर लेते ताकि आगे बढ़ सके। नाइस। ओह अर्ली नाइट, थैंक यू। एक और मेगा स्टोन, टेंसराइट, थैंक यू। एप्सोलाइट, थैंक यू। Where to go to the Anastas Sundial? No. Anastas City, the star is city marking the hours. Okay. Lar Ripple ni. Anastas City Pokemon Gym, leader Olympia, the person who makes paths with Starlight. Okay. Olympia said she was waiting at the Anastas Sundial for a trainer. The gym is closed until then. Okay. Okay, दोनों वे सेम ही है, ठीक है। प्रथम लूंगा पोकेबॉल, हाउंडूम नाइट, पिजियोटाइट, सैलमेंसाइट, Metagrossite. Oh, the door is locked. I have been waiting for you, Sky. I had a vision you would come. I have also seen into the future. The vision is cloudy, but I have seen that you play a pivotal role in the future of Kalos. I know not if you will be able to win, but when the time comes, fight those in red and protect the green one. That is all I know. Now that I have warned you, I shall be waiting for you in my gym. Good luck. Okay. Olympia uses psychic type Pokemon. They are weak against the bug, ghost and dark types. They are strong against fighting and poison. Psychic and fighting moves also don't do much damage. Okay, main sare trainers ko hara kar aata hu. Okay dosto, main aa chuka hu, sare trainers ko main hara chuka hu. Chalo directly Olympia ko hara dete hain, magar इस जिम बैटल के वक्त इसके पास था टैलेंट फ्लेम ना कि फ्लेचेंडर, तो मैं इवॉल्व कर दूंगा मेरे फ्लेचेंडर को। ओह माय गॉडनेस, आई थिंक उसके पास है, यप लगाई था मुझे, उसके पास है एवर स्टोन, मैं वो ले लेता हूँ पहले। रेयर कैंडी वेस्ट हो गई साला, ठीक है। व्हाट, फ्लेचेंडर इज इवॉल्विंग, अपना फ्लेचेंडर इवॉल्व हो रहा है अपने लास्ट स्टेज में। कांग्रेचुलेशन, योर फ्लेचेंडर इवॉल्व इनटू टैलेंट फ्लेम। ओके, बस इतना ही करना था मुझे। यू हैव मेड इट, लेट्स बिगिन। पिकाचू और फ्रगडियर। ओह ये म्यूजिक मुझे पसंद है। एक में और स्टिक तो गया, चलो एक और रिपोर्ट मैच रैप अप कर देते तुरंत। 55 लगा दियो। द फ्यूचर हैज होप, यू हैव अर्न द साइकिक बैच, ऑब्टेन साइकिक बैच, हियर हैव दिस टीम टू, टीम 119 स्टोर्ड पावर, टीम 119 कंटेन स्टोर्ड पावर, द हायर योर स्टैट्स आर द मोर पावरफुल इट बिकम्स, Kalos is counting on you. Don't let us down. Same dialogue. Yep. पहले heal कर लेता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। Root बड़ा रहेगा तो मैं off spin कर लूँगा। और अगले episode से हम continue करेंगे। Sky, perfect timing. I need your help with something. Wait, now's not a good time for a battle. ओके ये भी बैटल करना चाहता है। अच्छा वो इसे एपिसोड में कर लिया, ये भी मैंने।
चेस्पिन एक्रोबैटिक्स। अभी हेल्ड आइटम नहीं है तो ज्यादा डैमेज देगा। लक्सरे के लिए तो मैं पीके चुके साथ ही जाऊंगा। हल किक लक्ष्य ले गया डेडे ने जी। होल्ड ऑन स्टॉप, अ स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेन अटैक बॉनी एंड आई कांट फाइंड हर, प्लीज हेल्प मी लुक। ओके बॉनी किडनैप हो चुकी है, वो है स्ट्रेंज पीपल्स। ब्रिज इज ब्लॉक, गेट लॉस्ट किड। मे बी इनको हरा देने का भी प्लान है, चलो फिर हरा देते हैं आज के एपिसोड में। ओके दोस्तों वापस आ चुका हूँ, मैं ये सारे तीन फ्लेयर गन्स को हरा चुका हूँ और यहाँ पर एक बैटल था वो भी कर लिया। यहाँ पर एक आइटम था वो था हाइपर पोशन, मैंने गलती से उठा लिया तो मैं वो ऑन स्क्रीन नहीं दिखा पाऊंगा। चलो बॉनी को बचा लेते हैं। यहाँ पर भी एक आइटम है 59 इंसिनरेट। ओके थैंक्स फॉर सेविंग मी स्काई, I think they are after a little green Pokemon I found the other day. We can't figure out what Pokemon it is though. I keep it safe. Don't worry. I'm going back to Clement now. Thanks again. Okay. तो मेरे ख्याल से शायद अभी क्लेमेंट भी चला गया है। यप। और यहाँ पर बैटल्स भी स्टार्ट होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार हम यही से कंटिन्यू करेंगे और हमारे जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो और अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।